सुनिए छोटा सा गीत हमारी तरफ से। जैसा कि समय अभी 11 मिनट बाकी है। अरे रहे जाओगे जवाब देते नहीं अपने जवाब देते नहीं कर सवाल देते हैं। सवाल कितने किए ये देखो पहले। गंगा कहाँ स्नान करे सवाल नंबर वन। सवाल नंबर टू शांतनु से शादी क्यों की। सवाल नंबर तीन पाप किए तो दुनिया पूजती क्यों है। सवाल पे सवाल लेकिन हम सवाल नहीं करेंगे। सुनिए सूर्य में तेज है इतना कि कोई टिक नहीं सकता। सूर्य में तेज है इतना कि कोई टिक नहीं सकता। मौत सबको ही आनी है कोई छिक नहीं सकता। और विश्वामित्र बेचने वाले तो बहुत मिल जाएंगे पर हरिश्चंद्र की तरह कोई टिक नहीं सकता। अब आप लोग देख रहे होंगे कोई बदतमीजी सैर तो नहीं हो रही। कोई हो रहा है बदतमीजी बताओ। हरिश्चंद्र जैसा हर बात सैर ऐसी कोई कुछ मिले। इस गीत को आप सुनिए निवेदन है अगर एक आध मिनट ज्यादा हो जाए तो हमारे भैया को दो चार और एक्स्ट्रा दे दें। लेकिन इस गीत को ध्यान से सुनना। दादा भूपेंद्र जी का लिखा हुआ गीत है सुनिए। रहे जाओगे रहे जाओगे अगली सदी में मेरे यार ढूंढते जाओगे पवन भैया। अगली सदी में अभी तो ठीक है अगली सदी में क्या नहीं होगा बड़े भैया सुनो। आने वाले समय गुरु सच्चा शिष्य आज्ञाकारी जैसे कौशल है जैसे अभी चुसाम बता रहे हैं आगे और भी होगा। गलिन गलिन गुरुआ फिरे कोई गुरु दीक्षा ले स्वर्ग जाओ चाहे नरक में हमें रुपया। एक बात को ध्यान सुनना भैया बदतमीजी नहीं होगी सिर्फ। आंसू ना होते तो आंखों की आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से ही तो दुनिया में ऊपर बाले की जरूरत ना होती। भैया कोई बदतमीजी सर तो नहीं होनी देखते रहना। इनकी दिल में जगह नहीं हमारे पेट में है। जाकी रही भावना जैसी छीलो घास चराबो भैंसी। अरे तेरी जिंदगी का सफर दो दिन का है। तेरी जिंदगी का सफर दो दिन का है। इस जमाने में सोचो कौन किनका है। फिर भी चलता है ये कपट की चाल क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। सुनिए बड़े भैया गुरु सच्चा शिष्य आज्ञाकारी नेक पति पति वीरता नारी। पति वीरता नारी नहीं मिलेगी। बहुत अच्छी बहुत अच्छी। आगे हमारे इधर तमाम बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं सुनना सिर्फ ध्यान से क्योंकि कलाकार चले जाते हैं लेकिन सिर्फ यादें रह जाती हैं कि हाँ कोई चीज सुनाई थी। क्या बात है। इसलिए नेक पति पति बिरतारी और भैया भैया को मीठो प्यार। आज तो फिर भी चार भाई एक घर में रह लेते हैं न्यारे बेशक हों लेकिन आगे एक घर में चार भाई नहीं रह पाएंगे। भरत राम भैया को मीठो मीठो प्यार ढूंढते रह जाओगे। भैया भैया को मीठो प्यार ढूंढते रह जाओगे।
अब हमारी तुम्हारी बात आ रही है। मर्द की मूछ तुम्हारी उगाए, हमारी उगाए, पवन भैया की गाय। मर्द की मूछ सास की चादर, मर्द की मूछ आगे गायब हो जाएगी। अभी हो रही है धीरे धीरे, जैसे कि सैम। मर्द की मूछ सास की चादर, बहू को घूंघट बड़ों का आदर। आजकल जो बहुएं आ रही हैं वो बड़ों का आदर नहीं करती। बदतमीजी नहीं होगी भैया, सिर्फ निवेदन है, चाहे सुबह जो मीजी नहीं होगी। बहू को घूंघट बड़ों का आदर, लंबे लंबे बार। बहू जा रही ब्यूटी पार्लर में, करवा चौथ को दिन आएगो। सास बोई लली हम ले चले, मैं सजूंगी। क्या बात है, हैप्पी कट करा लेती। नारी के लंबे लंबे बाल रह पावे को दूध खाएबे को दूध। पहले हम तुम क्या पीते थे, दूध मठा रबड़ी, लेकिन अब अरे यार आज नई साल है यार, बियर बियर मंगा लो यार। पवन भैया सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? हाँ ये मत कह रहा पंडित जी का पका पक लगे। पीबे को दूध खाएबे को मेवा। क्या बात है, पहले बुजुर्गों में शौक था। हमारे और आपके पिताजी घर में होंगे, उनसे ये कह दो पिताजी बाजार से पैदल चले जाना, थोड़ी सौदा लानी है, तो चले जाएंगे। और हम और तुम इतने आलसी हो चुके हैं, मारी किक बूम। भैया बदतमीजी सिर्फ नहीं होगी, चाहे तो कार्यक्रम हम बंद कर सकते हैं, लेकिन बदतमीजी नहीं कर सकते। सुनिए, पीबे को दूध खाएबे को मेवा, जवानी को जोश बुढ़ापे की सेवा। अब माँ बाप की कोई सेवा नहीं करेगा। हाँ बेटा कौशल ध्यान दो, लेकिन रात प्रात ही हो तो उठे रघुनाथा, मात पिता ही गुरु नावे माथा। राम ने अपने माता पिता की सेवा की, लेकिन अब मालूम का हो पवन भैया। एलेला पापा जा रहे कर ले टाटा, उन्हें गोदी में छोरा लो कर पापा टाटा। अच्छा सांकेतिक भाषा होती है पवन भैया, फौजियों की सिखाई जाती है, ऐसे कर दो तो आ जाओ, मुंह से बोलना नहीं है, और ऐसे कर दो तो भैया चले जाओ, और ऐसे कर दो तो ना आओ ना जाओ, बीच में एक्सीडेंट होकर मरिया। क्या बात है, पश्चिमी सभ्यता को हम लोग अपना रहे हैं, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं। हमारी नई साल चैत्र में होती है, ये पश्चिमी सभ्यता ही तो है। अगर हीरो हीरोइन ने फटो जींस पहन लो तो छोरी सड़क पे घिस घिस के फार लेगी, मम्मी पहनूंगी तो मैं फटो ही पहनूंगी। हाँ जवानी को जोश बुढ़ापे की सेवा सेवा। और माता भैया हरा भरा परिवार ढूंढते जाओगे, हरा भरा परिवार ढूंढते जाओगे, हरा भरा परिवार ढूंढते जाओगे। कौशल भैया बिल्कुल अंतिम बात। कौशल भैया कोई हस्ती कोई मस्ती कोई चाह पे मरता है, कोई हस्ती कोई मस्ती कोई चाह पे मरता है, कोई नफरत कोई मोहब्बत कोई लगाव पे मरता है। अरे ये ग्रुप उन दीवानों का है, ये ग्रुप उन दीवानों का है, यहाँ का हर बंदा अपने हिंदुस्तान पे मरता है।
बहुत बहुत धन्यवाद है गुरु। सुनिए और अगर टाइम रहा तो एक गुरु जी का गाना आपको सुनवाएंगे बाद में। सुनिए अंतिम बात दादा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहली बात तो यह है, समझ में आ रहा भैया? अंतिम बात सुनिए, समझ में आ रहा है? ये ग्रुप चंदन दीवाना का है। यहाँ का हर बंदा अपने हिंदुस्तान पे मरता है। सुनिए अंतिम बात पवन भैया, कथा भागवत भगवत गीता। ये कार्यक्रम हम लोग कराते हैं, किस लिए कराते हैं? कोई नई बात बताए है? और हम लोगों की जो परंपरा है वो बनी रहे। लेकिन यहाँ बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। कौशल भैया निवेदन है, कहा हो गलती क्षमा करना, लेकिन अगली बार जो भी काम हो अच्छा सुनाना है। क्या बात है, तो अच्छी बात नहीं है, है। हम आपसे कहें ये ठीक, तो आप बड़े भाई हो और हम भी छोटे, आप हमसे कहोगे, निवेदन है जो भी गलती हो क्षमा करना, आगे से ऐसा नहीं और ना हम। सुनिए भैया, लला बेटा, भैया छोटे भैया, एक मिनट। हाँ, कथा भागवत भगवत गीता। क्या बात है बेटे शेरो, ये है नाल देखो। ये है वाली की, क्या बात है, बहुत सुंदर पत्र लाई। क्या बात है पट्टर भैया, रख लो कोई बात नहीं। यहाँ पट्टर भैया है, तुम्हारा जवाब नहीं है बेटी। पट्टर भैया कह रहे चंदन भैया ने बजा ले, टाइम बहुत कम है। सुनिए अंतिम बात दादा, ध्यान रखना, कथा भागवत भागवत गीता। इन भैया का मैं नाम भूल गया हूँ, क्या नाम है? देवेंद्र भैया है कोई? आजकल कथा भागवत कैसी हो रही मालूम? बैराटी लड़की ने दुपट्टा ऐसो बांधो और ढोलक पीटा पीट पीटा 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 पीट, भागवत बनी नौटंकी। चिमटा बजान वालों ऊपर लटको, चिमटा बजावा भैया। क्या भागवत में गाना मालूम कौन से हो रहे? एक बात में बताना चाहता हूँ। बताओ बताओ। भागवत का जो मंच होता है भगवान की गोदी होती है। है, है, क्या बात है। और भगवान की गोदी जिसको नसीब होती है, हाँ, वो अपने आप को बहुत बड़ा धन्य समझे कि मुझे उसकी कृपा मिली है। और उस गोदी पर ऐसे गाने होते हैं 10 रुपए के पीछे। है, है। मेरी कथा अभी छिबरामू चल रही थी, पंडित जी ये वाला गाना गा दो जो मेरा नेट पे पड़ा, ये तो खिड़की पे बैठे हुए आज की रात भर हो गई, 500 का नोट कागज में। हमने कहा हाँ, हम वो पंडित जी नहीं है जो 500 रुपए के पीछे अपना ईमान बेच दे। आप जब गजलों का कार्यक्रम कराना तब गजल गाऊंगा, लेकिन इस मंच पर नहीं। सुनिए माता भैया, और इस बात से मैं तुमसे भी बहुत बड़ा खुश हूँ क्योंकि तुम मंच पे बहुत अच्छा अभिनय करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिए कथा भागवत भगवत गीता, सावित्री अनुसुईया सीता। और दादा जो हमारे ताऊ जी बैठे हैं, और गीता का सा आगे नहीं मिलेगा, आगे क्या होगा? यो यो हनी सिंह, भविष्य की बात हो रही है। और गीता का सार ढूंढते